ऑस्ट्रेलिया में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होंगे तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। हम बहुत बड़े सपने लेकर जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, पैसा कमाएंगे, घर वालों को पैसा भेजेंगे, वहां पर वो सुखी हो जाएंगे हमारे घर वाले। हमारे माँ बाप भी काफी सारा पैसा लगाकर हमारे को बाहर भेजते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है? सक्सेस, अच्छा पैसा कमाना, फेम कमाना। स्टडी करने के बाद हमारा मेन मोटिव है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे आप इंडिया में रहो या किसी और कंट्री में रहो। लेकिन आपको अच्छी जॉब मिलेगी कैसे? ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जॉब लेना इतना आसान नहीं है, कंपटीशन का जमाना है। अगर आप वहां पर जाओगे और आप अपने आप को देखोगे कि आपका लेवल क्या है, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो डिमांड करते हैं कि हमें ये पर्सन चाहिए अपने जॉब में, उनका लेवल क्या है? उनका लेवल है हाई। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ और सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी स्किल जो आपके पास होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं है आप कामयाब होना थोड़ा सा लेट हो सकता है आपका, या मे बी आपको अच्छी जॉब ना मिले। ये मेरा ओपिनियन है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस जब भी आप बाहर जाते हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार कर जाते हो, चाहे पीआर के ऊपर जाना है, चाहे स्टडी वीजे के ऊपर जाना है। टूरिस्ट वीजा के ऊपर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही बिजनेस वीजा के ऊपर, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गाइस मेन मोटिव क्या है इस टेस्ट का? इस टेस्ट का मेन मोटिव है आपकी इंग्लिश को चेक करना। सरकार आपकी इंग्लिश स्किल्स चेक कर रही है। जितने ज्यादा बैंड आएंगे उतने आपकी प्रायोरिटी बढ़ेगी किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास कुछ ऐसे सिटीजन है, उनके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन है, तो अगर उन्होंने भी कोर्स करना है उनको भी बैठ जाएंगे 7 ईच नर्सिंग के केस में। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर आप स्टूडेंट बेस के ऊपर जा रहे हो और एक सिटीजन है, सिटीजन ने भी अगर कोई कोर्स करना है उसमें उसके 7 ईच आने चाहिए। सुनने में बड़ी हैरानी होती है। तो मेन मोटिव क्या हुआ? अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ये पहली स्किल है। भले ही आपके आईएलटीएस में या पीटी में बैंड कम है, लेकिन आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ अच्छे से, इंटरव्यू अच्छे से दे पाओ, तो सबसे पहली स्किल आपके पास इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी आपको जॉब लेने में, तो अपने इंग्लिश सुधार लो। उसके तरीके क्या हैं? रोज सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करो, अपने आप को इंग्लिश के माहौल में रखो, घर वालों के साथ इंग्लिश बोलो, टीवी देखो इंग्लिश की, न्यूज सुनो। और वैसे भी अगर आप बाहर जाओगे तो सारा का सारा एनवायरनमेंट आपका जो हो जाएगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो डेफिनेटली यू विल इंप्रूव डे बाय डे, बट शुरुआत आपको करनी है। तो पहली स्किल इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरी स्किल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना आना चाहिए। यस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट। कई बच्चों को ये भी नहीं आता, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे को लोगों ने मैसेज किया है कि सर हमें बताइए कि अगर हमने अपने चांस बढ़ाने हैं वहां पर जॉब लेने के लिए तो क्या क्या चीजें हमारे पास चाहिए। तो गाइस दूसरी बात ध्यान पर नोट कर लो कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो तो चलो ग्रेजुएशन की बात होगी, स्टडी की बात हो गई, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की काफी जॉब मिल जाती है। तो अगर आप इंग्लिश स्किल्स में अच्छे हो तो आपको रिसेप्शन की जॉब भी मिल सकती है। तो अगर आप कहीं जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप उसको कैसे इंप्रेस कर सकते हो इंग्लिश से। और तीसरी बड़ी बात, कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट रहिए जो भी आपने काम करना है। आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी बेस के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो सेमिनार दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, खुलकर बात कीजिए। अगर आप अपने आप को दबाते रहोगे ऑस्ट्रेलिया में भी तब आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपके स्टडी में वो आपका टीचर सेमिनार देने को बोलता है तो घबराइए मत उसको, मतलब आप यहां पर हम सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश गलत बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहां पर नहीं होगा ऐसा। आप अपने आप को सुधारो, एक दिन, हफ्ता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कितना टाइम लग जाएगा, 1 महीने में आप प्रिपेयर हो जाओगे, ये डेफिनेटली है। तो गाइस ये 3 चीजें अपने मन में डाल कर जाओ कि ये 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो अगर आपको जॉब मिलेगी पे रेट कम होगा,
जैसा कि स्टूडेंट के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 20 आवर्स अ वीक ही होते हैं काम करने के लिए लीगली, तो वो 20 आवर्स में आपको $10 एक घंटे की भी जॉब मिल सकती है, $15 के हिसाब से भी मिल सकती है, $20 के हिसाब से भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन यू। देखो हमारे आवर्स तो वही हैं लेकिन हम पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। तो गाइस इसको अच्छे से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियोस को। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं इन चीजों के ऊपर जरूर गौर देना। और लास्ट में कहूंगा अपना रिज्यूमे जो है वो थोड़ा सा अच्छा बनाकर लेकर जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलेगा जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है कि आप में कौन कौन से स्किल्स हैं। जो आपके पास स्किल्स नहीं है वो उस पर मत डालो। आपका जो रिज्यूमे है वो प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें डालकर उसको इंप्रेस मत कीजिए, क्योंकि उसमें से अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया नहीं आया तो रिजेक्शन होगी। और अगर आपने जॉब अच्छी करनी है पहले आप उस जॉब को समझिए। आपके जॉब्स टास्क वो वहां पर डिफाइन करते हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए जिसको इसकी नॉलेज हो। अगर आपके रोल्स टास्क उससे परफॉर्म करते हैं, आपको वो चीजें आती हैं, तभी रिप्लाई कीजिए, तभी आप रिज्यूमे अपना उनकी कंपनी की तरफ सेंड कीजिए, नहीं तो रिप्लाई नहीं आएगा। तो इस तरह से आप चांसेस बढ़ा सकते हो। तो जो भी चीज अगर आपको आती है उसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट करो। गाइस बिलीव मी आप सक्सेस होगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज।